हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज वेरी नियर x इक्वल टू 9। यानी मतलब ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दे रखा है, उसका जो मोड है वो x इक्वल टू 9 के इक्वल है लगभग। ओके, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फंक्शन है उसकी वैल्यूज दे रखी हैं, x इजिकल टू 8.9 के ऊपर, x इजिकल टू 9 के ऊपर, x इजिकल टू 9.3 के ऊपर वैल्यू दे रखी है 0.30, 0.35 एंड 0.25। ओके, यानी x की वैल्यूज ये दे रखी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज आपको ये दी हुई है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोड। ओके, आपको मोड की वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेटली। यू नो वेरी वेल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मॉड। अगर आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जिस डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉड होती है। ओके, जिसको मॉडल वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया जाए किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है, सपोज दैट आपको डेटा की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 5, 7, 5, 9, 5, 6 और 5। ओके, आपने 9th क्लास के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसको आप बहुलक बोलते थे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा है जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहना चाह रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या है। देखो आप, 2 तो एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार 5 आ रहा है। ओके, मैंने बोला है अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो डेटा बार बार रिपीट होता है, जो डेटा सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं मोड। इस केस में इसका जो मोड होगा कितना होगा भाई, इसका मोड होगा 5। तो जाहिर सी बात है मैक्स के लिए, जो है मैक्सिमम के लिए, हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का, जो आपने 12th या BSc Part 1 के अंदर पढ़ा है। यानी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, बराबर 0 के रखते हैं, जो पॉइंट निकल करके आता है क्रिटिकल पॉइंट होता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होता है तो मिनिमम। ओके, वही करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले x की वैल्यूज़ देखो आप, x इक्वल टू 9 के ऊपर मेरे को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले x की वैल्यू देखो आप, जो के आपको दिया हुआ है। एक x की वैल्यू कितनी है बेटा, 8.9। मैं डायरेक्ट फंक्शन बना करके लिखता हूँ, मेरे को दे रखा है एफ ऑफ 8.9 इजिकल टू दे रखा है 0.30। एक्स की इस वैल्यू के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू 0.30, एक्स 9 के ऊपर एफ ऑफ 9, इस 9 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है कितनी, 0.35 आपके सामने है। एफ ऑफ 9.3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25। सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखो बेटा, एक्स ज़ीरो है आपके पास 8.9, एक्स वन है आपके पास 9 और एक्स टू आपके पास 9.3। अनइक्वल डिफरेंस है, आपको पता है अनइक्वल डिफरेंस के लिए हम लैग्रेंजेस मेथड का यूज़ करते हैं। मैं लगाने जा रहा हूँ लैग्रेंजेस मेथड। सो बाय लैग्रेंजेस मेथड, लैग्रेंज मेथड आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर जो होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स वन, शॉर्ट में लिखूंगा बहुत, एक्स माइनस के एक्स टू एंड सो ऑन। यहाँ होता है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, डिवाइडेड होता है एक्स ज़ीरो माइनस के एक्स वन, एक्स ज़ीरो माइनस के एक्स टू एंड सो ऑन, प्लस यहाँ होता है एफ ऑफ एक्स वन इन टू, ये होता है बेटा x माइनस के x ज़ीरो, x माइनस के x टू एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई x वन माइनस के x ज़ीरो, x वन माइनस के x टू एंड सो ऑन, प्लस अगले वाला स्टेप होता है उसी तरीके से f ऑफ x टू एंड सो ऑन। ये आपका फार्मूला होता है, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास f ऑफ x कितना होगा भाई, f ऑफ x होगा x माइनस एक्स वन
एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है 9, अगले वाली वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 9.3 बटे एक्स माइनस के एक्स जीरो 8.9 माइनस 9 और ये होगी 8.9 माइनस 9.3 गुणा एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 0.30 0.30 प्लस एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू लिख लो आप 0.35 तो ये हो रही है 0.00 है। अगले वाली वैल्यू लिखता हूँ एक्स माइनस के कितना होगा 8.9 एक्स माइनस 8.9 अगले वाला होगा एक्स माइनस 9.3 बटे 9 माइनस 8.9 और 9 माइनस 9.3 अगले वाला स्टेप लिखता हूँ प्लस करके प्लस 35 तो लिख दिया 35 के बाद फंक्शन की वैल्यू है 25 प्लस 0.25 ऊपर कितना निकल करके आएगा 25 के साथ x माइनस 8.9 x माइनस 8.9 के बाद 9.0 डिवाइडेड बाई 9.3 माइनस 8.9 और ये हुआ बेटा 9.3 माइनस 9.0 क्लियर है ना। सॉल्व करता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ। जब मैं ऊपर वाले को इसको सॉल्व करूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से निकल करके आएगा बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भाई ये देखो आप ये तो वन का डिफरेंस रहा 0.1 का डिफरेंस और यहाँ 0.4 का डिफरेंस रहा तो नीचे तो आया मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा भाई ये माइनस है और ये भी माइनस है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव नीचे तो हुआ 0.04 ओके और ऊपर वाले की मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली एक्स स्क्वायर निकला और प्लस के मेरे पास निकल करके आया कितना 18.3 सॉरी प्लस के मेरे पास निकला 83.7 और माइनस के निकला 18.3x। इन दोनों की जब मैंने गुणा की इस वाले स्टेप के अंदर गुणा कर दी और गुणा करने के बाद इसकी गुणा किससे हो रही है 0.30 से और गुणा है क्लियर है ना। अगले वाले स्टेप लिखता हूँ प्लस जब अगले वाले को सॉल्व करूँगा मैं 0.35 तो है ही ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 18.2x प्लस 82.77 और ये होगा 0.35 डिवाइडेड बाई होगा कितना होगा ये माइनस में होगा देखो आप माइनस के 0.30 निकल गया ना प्लस एक स्टेप और भी है भाई ये होगा बेटा यहाँ से जब मैं इसकी गुणा करूँगा ऊपर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 17.9x प्लस होगा 80.1 मैंने पहले से ही गुणा करके सॉल्व किया हुआ है बेटा इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ होगा 0.25 बटे 0.12 ओके क्लियर है ना। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखना इसका 0.05 खत्म कर दिया मैंने या डायरेक्ट देख लो आप दो पॉइंट के बाद दो की दो है डायरेक्ट 0.05 खत्म हो रहा है ये देखो आप ये भी 0.05 डायरेक्ट 0.05 खत्म इस 0.05 खत्म इस 0.05 खत्म 0.05 का तो रोल खत्म ओके। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल करके आई बेटा ध्यान से देखना है मैंने एक इसमें से 12 एलसीएम ले लिया 3, 4 और 12 मैंने 12 एलसीएम ले लिया ये लो भाई 1/12 मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ अब यहाँ देखना कितना होगा 100 से गुणा किया हुआ है मैंने डायरेक्ट 0.04 है आप इसका 0.05 ख़त्म कर लो ओके 0.35 0.12 ये निकल कर क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 0.3x माइनस प्लस
87.7 पहले वाली क्वांटिटी तो ये निकल करके आएगी इन टू 4 × 3 = 9 90। पॉइंट खत्म करने के बाद 100 से ऊपर नीचे गुणा करो आप, यहाँ देखो आप गुणा सौ करो तब की बात कर रहा हूँ मैं, गुणा सौ यहाँ करो जैसे भी कर लो, ये निकल करके आएगा पॉइंट वैल्यू खत्म होने के बाद माइनस। अगला स्टेप कितना होगा भाई, 400 गुणा होगी यहाँ तो यार, ओके ये होगा बेटा 35। जब 400 गुणा करूँगा 140 आएगा निकल करके, कितना हो जाएगा भाई ये होगा 140 और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18.2 एक्स, 18.2 इंटू एक्स प्लस होगा 82.77। यहाँ होगा मेरे पास प्लस, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा 400 गुना होने के बाद, 1/12 तो बाहर निकल दिया, यहाँ होगा मेरे पास 25 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 17.9 एक्स प्लस होगा 80.1। क्लियर। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा, देखना ध्यान से, मैंने इसको गुणा किया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, ये निकला मेरे पास एफ ऑफ एक्स बराबर 1/12, तो ये इसकी गुणा करो, एक तो निकलेगा 90 एक्स स्क्वायर, उससे अगले वाला निकलेगा 164.7 एक्स जब 90 की गुणा इसके साथ करूँगा, उससे अगले वाला निकलेगा बेटा 7533.0, उससे अगले वाला होगा ये -140 एक्स स्क्वायर, उसके बाद होगा +28 48 एक्स, उससे अगले वाली वैल्यू जो होगी बेटा वो होगी -12587.8 अंदर गुणा कर दिया, प्लस होगा 25 एक्स स्क्वायर, उससे अगला रिजल्ट होगा -4487 एक्स और लास्ट में होगा +20.22 ये रिजल्ट आएगा निकल करके, क्लियर गुणा करने के बाद। ओके जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी भाई, एक तो 90 है 140 है प्लस के 25 है, देखो आप ये मेरे पास कितना बचेगा, 25 बचना चाहिए भाई, देखता हूँ कितना है 140, 90 और 25 कितना हुआ भाई 115 और हाँ 25 बच रहा है और माइनस का बच रहा है, माइनस हुआ 25/12 एक्स स्क्वायर। एक्स की बात करता हूँ, एक्स जो मेरे पास बचेगा बेटा वो बचेगा 453.5 453.5/12 एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जब मैं हल करूँगा ये रिजल्ट निकल करके आएगा और प्लस होगा मेरे पास लास्ट क्वांटिटी 30.32 3/12, ये तो होगी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू। आपको निकालना है मैक्स, आपको निकालना है मोड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द अप्रोप्रिएट मोड। आपको पता है मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, बता चुका था मैं आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोड के लिए फोर मोड, फोर मैक्स मोड या फोर मोड, हमेशा बीएससी पार्ट 1 to PhD तक के लिए अगर मोड की बात होगी, सिंगल वेरिएबल का केस होगा, आपको डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, फोर मोड आप निकालोगे f'(x = 0, उसके बाद डिसाइड होगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास कितना निकला बेटा, ये निकला माइनस के 25 × 2 कितना हुआ 50 x/12 प्लस 453.5/12 प्लस के 0, क्लियर है ना, इससे कट कर दिया 25/6 आएगा, क्लियर है ना, ये कितना निकला भाई, मैंने f'(x) को 0 के बराबर रखा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ये हुआ मेरे पास माइनस के 25/6 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 453.5/12 बराबर 0 के, यहाँ से x की जो वैल्यू निकल करके आएगी, x बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इसको उस तरफ लेकर के जाओगे, देखो बता भी रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा 25
एक्स बटे 12 बराबर हो जाएगा 4 5 3.5 बटे 12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर होगा 4 5 3.5 बटे 25। जब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे निकल करके आएगा 9.07, अप्रोक्सीमेटली 9। ओके, जो इसके अंदर कह रहा था विच इज़ नियर टू एक्स इज इक्वल टू 9, इसी की बात कर रहा था। ओके, अप्रोक्सीमेट कितना रिजल्ट निकल करके आया, दिस इज द मॉडल वैल्यू। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो गया कि मोड जो है मेरे पास मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा 9.07। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।